हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे टैबलेट लाया हूँ जो 10,000 से 15,000 रुपए के अंडर में मिलेंगे। अगर आप कोई बेस्ट टैबलेट ढूंढ रहे हो जो कैमरा, प्रोसेसर और गेमिंग के लिए बिल्कुल ठीक हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 5 ऐसे टैबलेट बताऊंगा जिनके फीचर सुनकर आप इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अब चलते हैं 10,000 से 15,000 रुपए के अंडर में आने वाले 5 टैबलेट, जिसमें से 5th नंबर पर है पैड मिनी। सबसे पहले इस टैबलेट की प्रोसेसर की बात करें तो T616 ऑक्टोकोर है और ये टैब 4GB रैम 64GB रोम के साथ आता है। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 8.7 इंच की फुल FHD डिस्प्ले मिलती है। और इसका कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो ये एंड्रॉइड 11 है। अगर इसकी बैटरी को लेकर कहें तो 6400mAh की मिलती है, जो 18W फास्ट चार्जिंग देगा। आप ये सोच रहे होंगे इस टैब का प्राइस कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं इस टैब का प्राइस 999 रुपए का है। नंबर 4th पर आता है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8, 3GB रैम 32GB रोम के साथ आने वाला ये टैब ठीक है। इसका प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टोकोर है, 9.5 इंच की फुल FHD डिस्प्ले मिलती है, जो ये एंड्रॉइड 11 है। इसके कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोस्तों, इस टैबलेट की बैटरी थोड़ी देर तक चलेगी, क्योंकि इस टैबलेट की बैटरी 7040mAh की है, जो 15W फास्ट चार्जिंग देगा। और इसका प्राइस 13,999 रुपए का है। नंबर 3rd पर आता है रिनोवा टैब K10। इस टैब की डिस्प्ले 10.3 इंच की फुल FHD डिस्प्ले है, जो गेमिंग का अलग ही मजा देगी। और दोस्तों, इसकी स्क्रीन आइस प्रोटेक्टेड सर्टिफाइड है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio P22T ऑक्टोकोर है, जो काफी अच्छा है। 4GB रैम 64GB रोम के साथ आने वाला ये टैब बिल्कुल सही है। कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। और इसकी बैटरी 7500mAh की है, जो एंड्रॉइड 11 है। इसका प्राइस 14,999 रुपए का है। नंबर 2nd पर है रिनोवा टैब M8, 4GB रैम 64GB रोम के साथ आने वाला ये टैब सही है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो 2.3GHz ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी डिस्प्ले 8 इंच की फुल FHD डिस्प्ले है, जो आइस प्रोटेक्ट सर्टिफाइड है। ये सेकंड जनरेशन का है और इसका कैमरा 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करें तो 5100mAh की मिलती है और इसका प्राइस 12,999 रुपए का है। नंबर 4 पर है नोकिया T20 टैब। दोस्तों, ये टैब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका प्रोसेसर ऑक्टोकोर यूनिस्टॉक T610 है। 4GB रैम 64GB रोम के साथ आने वाला ये टैब सुपर है। डिस्प्ले की बात करें तो 10.36 इंच की 2K डिस्प्ले मिलती है, जो ये आइस प्रोटेक्ट सर्टिफाइड है। और इसका कैमरा भी ठीक है, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और इस टैब की बैटरी की बात करें तो 8200mAh की मिलती है, जो 15W फास्ट चार्जिंग देगा। और इसका प्राइस 14,799 रुपए का है। आई होप आपको इनमें से कोई एक जरूर टैबलेट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सा भी टैबलेट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना।